नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और स्वागत है आपका हाउ टू एम्बेड एन एक्सेल फाइल टू योर वेब पेज विदाउट एनी कोडिंग। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट बताया था कि आप कैसे HTML का टेबल एक मिनट में बना लें बगैर कोई कोड करे, बगैर एक शब्द लिखे, वैसे ये है कि एक्सेल शीट आप अपने वेब पेज पे लाना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, आपको गूगल ड्राइव पे जाना है। आपके जैसे जीमेल अकाउंट गूगल का एक ऐप है, वैसे ही गूगल का ड्राइव एक ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करके रख सकते हो। तो गूगल के आप ड्राइव पे अपने चले जाएंगे। ये देखिए, आप ब्राउजर पे जाएं, ये मैंने अपना ड्राइव खोल रखा है। बस आपको गूगल ड्राइव में जाके क्या करना है, अपलोड कर दें एक एक्सेल की फाइल अपने ड्राइव पे। कोई भी ऐसे फाइल लो आप इसको, और आप अपने ड्राइव पे ले जाके छोड़ दो। देखिए नीचे लिखा हुआ रहा है ड्रॉप फाइल्स इंस्टेंटली अपलोड, जो भी फोल्डर का नाम आ रहा है। तो ऐसे करके आप अपलोड कर सकते हो फाइल को। उसके बाद पे डबल क्लिक करना है, वो आपका गूगल शीट में खुल जाएगा। ये देखिए एक गूगल शीट होती है, आपको एक्सेल में खोलने की जरूरत नहीं है। गूगल ने खुद ऑनलाइन एक्सेल आपको दे रखा है, एक तरीके से ऑनलाइन एक्सेल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद बस आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू में आप जाएंगे और पब्लिश टू द वेब। पब्लिश टू द वेब पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा छोटा सा, आपको वहां दिखेगा लिंक और एम्बेड। आप एम्बेड पे चले जाएंगे और आप उस अपने जो आपकी जो एक्सेल शीट है उसका आपको आई फ्रेम मिल जाएगा। इसको कंट्रोल सी करना है आपको, तो बंद कर देते हैं कॉपी करके। बस जहां भी आप उसको अपने एडिटर पे डालना चाहते हो, मेरा एडिटर विजुअल स्टूडियो है, मैंने यहाँ आके अपने विजुअल स्टूडियो पे आई फ्रेम वो कॉपी जो करा था मैंने वो यहाँ डाल दिया, अपना पेज मैंने सेव करा, ये मेरा आई फ्रेम आ गया। यहाँ पे जूम कर रहा हूँ मैं इस पेज को, बस ये देखिए जो मेरी एक्सेल की फाइल थी वो फाइल पूरी मेरी इस आई फ्रेम में आ गई। बहुत इजी तरीका है, इससे इजी तरीका कोई नहीं हो सकता आपको एक्सेल की फाइल को वेबसाइट पे लाने का। ये देखिए आई फ्रेम की लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं आप आराम से। जैसे आई फ्रेम मैंने बताया 14 नंबर पार्ट, आप आई फ्रेम देख ले, ये हमारा आई फ्रेम है। तो एक बार फिर देख लेते हैं हमारे स्टेप्स को। आपको बस गूगल ड्राइव पे जाना है, आपकी वहां पे एक एक्सेल फाइल होगी, उस एक्सेल फाइल को आपको गूगल शीट पे खोलना है और वहां से आपको क्या करना है, पब्लिश करना है उस पेज को। और पब्लिश करते ही आपको वहां से कोड मिल जाएगा, एम्बेड का कोड मिल जाएगा, और एम्बेड कोड आपको अपने एडिटर पे कॉपी कर दो। बस आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो और पिछले पार्ट्स भी, तो आप बस एक सब्सक्राइब बटन है नीचे दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया लेके। सी यू।